Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यूनिवर्सिटी में पार्किंग स्टैंड स्काई पार्किंग एरिया से स्टेडियम तक शटल बस सर्विस ट्रैकिंग के लिए फूलों का तोहफा मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक रवाना। कजाफी स्टेडियम पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा 15,000 अहलकार हिफाजत पर मामूर इर्द गिर्द की इमारतों पर माहिर निशानेबाज तैनात तमाशाइयों पर टिकट और शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी। क्रिकेट के शायकीन आज भरपूर लुत्फ उठाएंगे इंटरनेशनल टीमों की आमद पाकिस्तान के पुरम मुल्क होने का सबूत है लाहौरियों ने मेहमान टीम के शानदार इस्तकबाल की रिवायत कायम रखी वजीर आला पंजाब। बिहाड़ी के चर्च में भी ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ तीसरा मार्का भी शाहीनों के नाम होगा कराची के मियां मिट्ठू की पेशगोई। ये तोता बता रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो 2020 मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। बॉक्सर आमिर खान भी पाकिस्तान में क्रिकेट का मैदान सजने पर खुश लाहौर में मीडिया से गुफ्तगु में आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है पाकिस्तानी खेलों से मोहब्बत करते हैं। श्रीलंकन टीम हैज शोन ग्रेट हार्ट बाय कमिंग टू पाकिस्तान After what happened, the incident that happened a couple of years ago, the terrorist attack. But I really think that they have shown so much heart, and this should only motivate more countries to come to Pakistan to participate in cricket. मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर पाकिस्तानी खुशी से सरशार शोबिज स्टार्स का जोशो खरोश भी दीदी। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। कोई भी जीते क्रिकेट की जीत है पाकिस्तान की जीत है श्रीलंकन से भी मोहब्बत है अपने मुल्क से तो है ही जो मर्जी जीते। उज़ैर बलोच ने जरदारी माफिया को बेनकाब किया पीटीआई सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान को कंट्रोल माफिया के खिलाफ एहतजाज कर रही है इमरान खान का ट्वीट तहरीक इंसाफ आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो करेगी पिंडाल सजी। बात करने से कबल सोचना चाहिए पहले कहते थे कि इलेक्शन कमीशन से मुआफी नहीं मांगूंगा थोड़ी सी चाबी घूमी तो हाथ जोड़कर मुआफी मांग ली खुशी शाकी इमरान खान पर नाम लिए बगैर तनकीद ये भी कहा कि मियां साहब आप नाअहल हो चुके अदालत का फैसला मान ले। पिशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम तख्ताबाद रोड से कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार असलहा और बारूदी मवाद बरामद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 बम नाकारा बना दिए। निजी स्कूलों की फीसों में मनमाना इजाफा नामंजूर कराची में ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत सीवीओ पर एहतजाज रैली निकाली गई रैली में मेयर कराची और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। पांच माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर आजमीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने और भूख हड़ताल का ऐलान 3 नवंबर को कराची से ट्रेन मार्च इस्लामाबाद रवाना होगा। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इलाका से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी जिला बांडीपुरा में आज भी 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया काबिज फौज के जुल्म के खिलाफ इलाके में मुजाहिरा। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने नई मसरूफियत ढूंढ ली इलिनॉय की अदालत में ज्यूरी के फराइज अंजाम देंगे